दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं आईपीएल की दुनिया की बड़ी अपडेट्स। लखनऊ का सोशल मीडिया हैंडल तैयार, अहमदाबाद के हेड कोच घोषित, बिग बैस लीग के मुकाबले में हो रहा ड्रामा, हैदराबाद की टीम के टारगेट गेंदबाज, आईपीएल के 5 फ्रेंचाइजियों का बड़ा सरदर्द और भी ढेर सारे अपडेट्स आईपीएल से जुड़े हुए आपको बताने वाले हैं। आईपीएल और 22 का मेगा ऑक्शन बहुत जल्द होने वाला है और आपको कुछ करना नहीं है, बस आराम से पूरा वीडियो अंत तक देखना है। दोस्तों आपके लिए वीडियोस रोज लाते हैं और ये हमारे आईपीएल अपडेट सीरीज का 365वां वीडियो है। और यदि आप हमारे चैनल का हिस्सा नहीं है तो बिना देर के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला अपडेट। दोस्तों हमारी सबसे पहले अपडेट निकल कर आ रही है लखनऊ की फ्रेंचाइजी की तरफ से। आईपीएल 2022 में जो दो नई टीम रहने वाले हैं उसमें से लखनऊ की फ्रेंचाइजी का जो तैयारी है वह नेक्स्ट लेवल पर है अहमदाबाद के फ्रेंचाइजी के मुकाबले। उन्हें अपनी टीम को बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करना है और हर दिन कुछ न कुछ छोटी बड़ी चीज वह अपना बिल्ड कर रहे हैं, जहां पर कल ही उन्होंने अपना ऑफिशियल ट्विटर हैंडल शुरू कर दिया है। इसके साथ ही वह फेसबुक पर भी एक्टिव हो चुके हैं। असल में लखनऊ की फ्रेंचाइजी के जो मालिक हैं संजीव गोयनका, वह पहले आईपीएल की फ्रेंचाइजी राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के मालिक हुआ करते थे और पहले जो राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल हुआ करता था उसी को बदलकर उसे ऑफिशियल लखनऊ आईपीएल टीम कर दिया गया है। और उन्होंने सबसे पहला पोस्ट जो डाला है सो यहां पर आप देख सकते हैं। और वैसे भी 2 साल का अनुभव है संजीव गोयनका को आईपीएल की टीम चलाने का, इसलिए उन्हें ज्यादा दिक्कत हो नहीं रहा है और तैयारी के मामले में अहमदाबाद की टीम से बहुत कदम आगे हैं। चलिए देखते हैं अपना दूसरा अपडेट। दोस्तों हमने आपको बताया था गैरी कर्स्टन के बारे में, जिन्होंने भारतीय टीम को 2011 में वर्ल्ड कप जीतने में मदद की थी और उस वक्त वह भारतीय टीम के हेड कोच हुआ करते थे। और आजकल वह काफी ज्यादा डिमांड में है, जहां पर उनके पास कई जगह से कोचिंग के ऑफर आ रहे हैं। उन्हें सबसे पहले तो आईपीएल की नई टीम अहमदाबाद ने उन्हें ऑफर किया है कोच का पोस्ट। इसके बाद साउथ अफ्रीका की टीम ने भी हेड कोच के रोल के लिए उन्हें अप्रोच किया है। साउथ अफ्रीका की टीम से पहले भी वह कोचिंग कर चुके हैं और एक समय में उनके ही कार्यकाल में अफ्रीका की टीम नंबर 1 टेस्ट टीम बने थे। इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने भी उन्हें अप्रोच किया हेड कोच के लिए। असल में इंग्लैंड के जो हालात अभी हैं, ऐसा लग रहा है कि क्रिस सिल्वरवुड जो पहले से उनके हेड कोच है वह छोड़ देंगे कोच का पद और कोई नया हेड कोच तो चाहिए होगा इंग्लैंड की टीम को। तो वैसे में गैरी कर्स्टन की तरफ देख रहे हैं इंग्लैंड की टीम। अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से किसे वह चुनते हैं। चलिए देखते हैं अपना तीसरा अपडेट। दोस्तों हमने आपको कल की अपडेट में बताया था कि इंग्लैंड के जो खिलाड़ी हैं जो बिग बैस लीग खेल रहे हैं उन्हें इंग्लैंड की टीम वापस बुला रहे हैं। इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि इंग्लैंड के कई सारे ऐसे दिग्गज क्रिकेटर्स हैं, उनका मानना है कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आईपीएल नहीं खेलना चाहिए। और ऐसे में 17 जनवरी से पहले बीसीसीआई ने सभी बोर्ड को यह निर्देश दिया है कि वह अपने खिलाड़ियों का मेगा ऑक्शन के लिए नाम भेज दें। तो यह बीसीसीआई के लिए एक समस्या हो सकता है, जहां पर हो सकता है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड इस बार किसी भी खिलाड़ी का नाम ना भेजें। तो ऐसे में मेगा ऑक्शन पर आईपीएल पर बहुत ही बड़ा असर पड़ेगा। इसके साथ ही जिन टीमों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को रिटेन किया है उनकी स्ट्रेटेजी पर भी असर पड़ने वाला है। अब देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आईपीएल के लिए अपने खिलाड़ियों का नाम भेजते हैं कि नहीं, और इस पर हर दिन आपको अपडेट्स हम देते रहेंगे, हमारे साथ बने रहें। चलिए देखते हैं अपना चौथा अपडेट। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे बिग बैस लीग में कुछ अजीब अजीब चीज हमें देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि मेलबर्न स्टार्स जो बिग बैस लीग की टीम है उसके सपोर्ट स्टाफ और एक खिलाड़ी को कोविड हो गया था, जिसके बाद उनके मुकाबले नहीं हो रहे थे। लेकिन कल उनका मुकाबला खेला गया और उनके पास सिर्फ 8 खिलाड़ी बचे हुए थे जिनसे उन्हें प्लेइंग 11 बनाना था। तो ऐसे में मेलबर्न स्टार्स ने लोकल मेलबर्न क्लब से कुछ खिलाड़ियों को लाया और फिर एक अजीब सा प्लेइंग 11 बनाकर खेले। इसके बाद 2 से 3 दिन पहले एक बिग बैस लीग का वीडियो वायरल हुआ, जहां पर अंपायर ने अपील होने पर आउट दे दिया, उसके बाद फिर वापस तुरंत ही उस आउट को डिसमिस कर दिया, जो क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा गया था। इसकी वीडियो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं जिनका नाम मोहम्मद हसनैन है, उन्होंने अपने बिग बैस लीग डेब्यू में पहले ही ओवर में 3 विकेट लिए और पहला ओवर मेडन डाला। तो काफी ज्यादा रोमांचक चल रहा है बिग बैस लीग और आपके पास मौका है पैसे कमाने का बिग बैस लीग के इन रोमांचक मुकाबलों से। स्टार पंडरा पर बिग बैस लीग के सभी मुकाबले चल रहे हैं और इन मुकाबलों में आप अपनी फैंटेसी टीम बनाकर खेल सकते हैं। इसमें फैंटेसी टीम बनाना बहुत ही आसान है और यहाँ पर कॉम्पिटिशन भी कम है, जिसकी वजह से आपके जीतने के चांस भी ज्यादा रहते हैं। इन मुकाबलों में पैसे लगाकर पैसे कमा सकते हैं, हर तरह से खेल सकते हैं आप। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ऐप को डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें और फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऊपर राइट साइड में सेकंड पर क्लिक करें और सारे डिटेल्स भर के रजिस्टर कर लें और फिर अपना डिपॉजिट अमाउंट आप ऐड करें यहाँ पर क्लिक करके। अमाउंट ऐड होते ही आप इन पैसों से अपने मन पसंदीदा गेम खेल सकते हैं। इसमें क्रिकेट के अलावा रमी, कैसीनो, टेबल के मंदिर बार और भी तरह तरह की वैरायटीज मिलेगी आपको। इसके साथ ही इस ऐप को डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करने पर आपको ₹500 का वेलकम बोनस भी मिलेगा, जिसका इस्तेमाल आप शार्पनर पर गेम्स खेलने के लिए कर सकते हैं। इसलिए इंतजार किस बात का कर रहे हैं, अभी डाउनलोड करें और पैसे कमाएं। चलिए देखते हैं अपना पांचवा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी की तरफ से, जहां पर आपको बता दें अहमदाबाद की टीम भी अपने कोचिंग स्टाफ को तैयार कर रहे हैं। और लेटेस्ट अपडेट यह है कि अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी आशीष नेहरा को अपना हेड कोच बनाने वाले हैं आईपीएल 2022 के सीजन के लिए। और 1-2 दिन में उनके और भी जो कोचिंग स्टाफ की डिटेल है वह आ जाएगी हमारे पास, तो आप हमारे साथ बने रहें। और इस तरह की जानकारी आपको सबसे पहले हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करते हैं। तो अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आशीष नेहरा सिर्फ हेड कोच नहीं रहेंगे,
बल्कि पूरी फ्रेंचाइजी का ओवरऑल इंचार्ज वही रहेंगे, यानी कि किन किन खिलाड़ियों को चुनना है प्री ऑक्शन में, क्या रहेगा मेगा ऑक्शन का स्ट्रेटेजी, सब कुछ आशीष नेहरा को ही डिसाइड करना है। तो आपको क्या लगता है, क्या अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी के द्वारा लिया गया यह फैसला सही रहेगा या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए देखते अपना छठा अपडेट। दोस्तों यह अपडेट निकल कर आ रहा है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम से, जहां पर आपको बता दें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम बाकी आईपीएल की टीमों के मुकाबले ज्यादा तेजी से तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि उन्होंने अपना नया कोचिंग डिपार्टमेंट को हाल में ही अनाउंस किया था, और अब यह खबर आ रही है कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कुछ बड़े खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल करेंगे, क्योंकि उनका जो 2021 का प्रदर्शन था बहुत ही निराशाजनक था और सबसे लास्ट में थे वह पॉइंट टेबल में। तो ऐसे में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम गेंदबाजी डिपार्टमेंट में कई बड़े खिलाड़ी को अपनी टीम में शामिल करेंगे, और उनकी ऑप्शन लिस्ट में है ट्रेंट बोल्ट, ककिसोराबाड़ा, लुंगी नगेड़ी, मोहम्मद समी और आवेज खान, और इनमें से एक या दो गेंदबाज वह डेफिनेटली अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे। चलिए देखते हैं अपना सातवां अपडेट। दोस्तों इस बार की मेगा ऑक्शन में आईपीएल की 10 फ्रेंचाइजी में से 5 जो फ्रेंचाइजी हैं उन्हें अपने मेगा ऑक्शन का स्ट्रेटेजी तो बनाना ही है, इसके साथ एक एक्स्ट्रा बर्डन या तो एक एक्स्ट्रा बोझ उनके पास यह रहने वाला है कि उन्हें कप्तान भी खोजना है और एक बेहतर कप्तान को नियुक्त करना है। जिन टीमों के पास पहले से कप्तान है उनमें नाम आता है चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली कैपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस, और जिन टीमों को अपना कप्तान भी खोजना है उनमें नाम आता है पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, और जो नई टीम अहमदाबाद और लखनऊ है सो। तो एक नया कप्तान का खोज इन पांचों टीमों के लिए आईपीएल का मेगा ऑक्शन थोड़ा सा मुश्किल बनाएगा, और इस वजह से इन पांचों टीमों को जो ऑक्शन स्ट्रेटेजी होता है उस पर असर पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि यह टीम किसी खिलाड़ी को टारगेट करेंगे और सोचेंगे उन्हें कप्तान बनाने का, और कहीं उस खिलाड़ी को किसी दूसरी टीम ने खरीद लिया, तो उनकी ऑक्शन स्ट्रेटेजी पर बड़ा असर पड़ेगा और सिचुएशन कितना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आप समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं अपना आठवां अपडेट। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे इस साल आपको काफी सारा क्रिकेट देखने को मिलेगा पिछले साल के मुकाबले, जिसमें भारतीय टीम साल का हर महीना में क्रिकेट खेलते हुए आपको दिखने वाले हैं। हालांकि आईपीएल का जो विंडो होता है उसमें तो भारतीय खिलाड़ी आईपीएल खेलेंगे, जो कि लगभग 2 से 2.5 महीने का विंडो रहेगा। उसके अलावा इस साल आपको सितंबर के महीने में एशिया कप देखने को मिलने वाला है, और अक्टूबर नवंबर में आपको फिर से T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले देखने को मिलेंगे। जनवरी में इंडिया साउथ अफ्रीका का मुकाबला चल रहा है, उसके बाद फरवरी में वेस्ट इंडीज और श्रीलंका के साथ मुकाबले होंगे, मार्च में अफगानिस्तान, और इसका पूरा शेड्यूल आप यहां पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, और वैसे यह आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं। और इन सभी टूर्नामेंट्स को लेकर हर तरह की जानकारी आपको हम अपने वीडियोस के जरिए देंगे और अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए भी देंगे, तो कहीं क्रिकेट का कोई एक्शन आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों यह थे आज की आईपीएल के बड़े अपडेट्स, ऐसे वीडियोस आपके लिए रोज लाते हैं, मिलते हैं अपनी अगली किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।